हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, मैं प्रदीप कुमार निरंजन स्वागत करता हूं मैकेनिकल इंजीनियरिंग सॉल्यूशन बाय प्रदीप निरंजन। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द वेरी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन। इन दिस वीडियो वी आर डिस्कसिंग द यूनिट 2 ऑफ मैकेनिकल थर्ड ईयर। इन द हेल्पफुल फॉर द अपकमिंग AKTU एग्जाम एज वेल एज ऑल द कम्पिटिटिव एग्जाम। हम लोग यहाँ पर यूनिट वाइज डिस्कशन कर रहे हैं। RAC का हम लोगों ने यूनिट फर्स्ट में 2 वीडियो अपलोड किए हैं, जो आप देख सकते हैं मॉक टेस्ट 1 और मॉक टेस्ट 2 के नाम से। ये हमारा थर्ड वीडियो है जिसमें यूनिट 2 को हमने 2 पार्टों में डिवाइड किया है, यूनिट 2A मॉक टेस्ट 3 एंड यूनिट 2B मॉक टेस्ट 4। चलिए हम लोग स्लाइड पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन सिस्टम द रेफ्रिजरेंट हैज द मैक्सिमम टेम्परेचर। इसमें पूछा गया है कि इनके भी रेफ्रिजरेंट सिस्टम होता है जिसमें आपका रेफ्रिजरेंट कब मैक्सिमम इसका टेम्परेचर होता है। तो ऑप्शन है इन द इवोपरेटर में, बिफोर द एक्सपेंशन वाल्व में, बिटवीन द कंप्रेसर एंड कंडेंसर, एंड नेक्स्ट इज बिटवीन कंडेंसर एंड एवोपरेटर। तो जब भी कोई भी रेफ्रिजरेंट आपका एवोपरेटर से बाहर निकलता है तो कंप्रेसर में पहुंचता है, वहां पे इसको कंप्रेस किया जाता है, तो ये एकदम से हीट अप हो जाता है सुपर हीटेड वेपर की तरफ। तो ये जब तक कंडेंसर तक पहुंचता है कूलिंग के लिए, तो इसका सही जवाब होगा बिटवीन द कंप्रेसर एंड कंडेंसर, बिटवीन द कंप्रेसर एंड। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ड्यूरिंग ए रेफ्रिजरेशन साइकिल हीट इज रिजेक्टेड बाई द रेफ्रिजरेंट। ड्यूरिंग ए रेफ्रिजरेशन साइकिल हीट इज रिजेक्टेड बाई द रेफ्रिजरेंट। इसमें पूछा गया है कि रेफ्रिजरेशन वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल में जो आपका रेफ्रिजरेंट होता है कहाँ पर अपनी हीट को रिजेक्ट करता है। तो ऑप्शन है आपके कंप्रेसर में, कंडेंसर में, इवोपरेटर में और एक्सपेंशन वाल्व में। तो इसका जो सही जवाब होगा आपका कंडेंसर में। कंडेंसर बेसिकली जब भी आपका वर्ड यूज किया जाता है तो हमेशा ही हीट रिजेक्शन के लिए आपका यूज किया जाता है, चाहे वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल हो या फिर वेपर कंप्रेशन साइकिल हो। नेक्स्ट, इन ए वेपर कंप्रेशन सिस्टम द कंडीशन ऑफ द रेफ्रिजरेंट बिफोर इंटरिंग द एक्सपेंशन वाल्व। इसमें साइकिल की जो आप लोगों ने पढ़ी है वेपर कंप्रेशन, इसके मेन 4 पार्ट होते हैं। एवोपरेटर होता है, एवोपरेटर के बाद कंप्रेसर होता है, कंप्रेसर में रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस किया जाता है, इसके बाद कंडेंसर होता है जहाँ पे इसको कूल किया जाता है, फिर इसके बाद एक्सपेंडर डिवाइस होती है जहाँ पे इसको एक्सपेंड किया जाता है और फिर से ही एवोपरेटर में पहुँच जाता है। इस तरीके से 4 पार्ट हमें सर्कुलेट होता रहता है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है वेपर कंप्रेशन सिस्टम में द कंडीशन ऑफ द रेफ्रिजरेंट, रेफ्रिजरेंट की वह कंडीशन बताइए बिफोर इंटरिंग द एक्सपेंशन वाल्व। एक्सपेंशन वाल्व में इंटर करने से पहले इसकी क्या कंडीशन होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हाई प्रेशर एंड सैचुरेटेड लिक्विड, वेट वेपर, वेरी वेट वेपर और ड्राई वेट वेपर। तो जब भी एक कोई भी रेफ्रिजरेंट कंडेंसर से निकलता है तो ये आपका गैसियस स्टेट से कन्वर्ट होकर लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, फेज चेंज हो जाता है और यहाँ पर मैक्सिमम हीट रिजेक्ट कर दी जाती है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हाई प्रेशर एंड सैचुरेटेड लिक्विड। चलिए नेक्स्ट, द कंडीशन ऑफ द रेफ्रिजरेंट आफ्टर पासिंग थ्रू द एक्सपेंशन और थ्रॉटल वाल्व। अगली साइकिल का पॉइंट पूछा गया है कि कंडीशन ऑफ द रेफ्रिजरेंट आफ्टर पासिंग थ्रू द एक्सपेंशन और थ्रॉटलिंग वाल्व इन द वेपर कंप्रेशन सिस्टम। तो इसमें क्या पूछा गया है कि आफ्टर पासिंग थ्रू द एक्सपेंशन और थ्रॉटल वाल्व, अब थ्रॉटल वाल्व से बाहर निकल चुका है एक्सपेंशन वाल्व से, तो इन द वेपर कंप्रेशन सिस्टम में तो कौन सा ऑप्शन होगा, हाई प्रेशर सैचुरेटेड लिक्विड होगा, वेट वेपर होगी या वेरी वेट वेपर होगी या फिर आपकी ड्राई वेपर होगी। तो जब भी आपका रेफ्रिजरेंट एक्सपेंशन वाल्व से निकलता है या थ्रॉटल वाल्व से निकलता है तो यहाँ पे इसका का लिक्विड से आपका वेपर में फेज चेंज होता हो जाता है, जिससे क्या होती है वेरी वेट वेपर यहाँ पे बाहर निकलती है। नेक्स्ट, इन ए वेपर कंप्रेशन सिस्टम
द कंडीशन ऑफ द रेफ्रिजरेंट बिफोर पासिंग थ्रू द कंडेंसर। अब कंडेंसर में से बिफोर पासिंग थ्रू द कंडेंसर, कंडेंसर से निकलने के से पहले ठीक, इन दी वेपर कंप्रेशन सिस्टम द कंडीशन ऑफ द रेफ्रिजरेंट बिफोर पासिंग थ्रू द कंडेंसर। ऐसे क्वेश्चनों को बड़े ध्यान से पढ़ा जाता है, मीन्स कंडेंसर से बिफोर पासिंग थ्रू द कंडेंसर, कंडेंसर से पास होने के पहले किस फॉर्म में रहता है, इसका मतलब है कंप्रेसर से बाहर निकल रहा होगा और कंडेंसर से इंटर कर रहा होगा ठीक। तो सैचुरेटेड लिक्विड के फॉर्म में होगा, वेट वेपर के फॉर्म में होगा, ड्राई सैचुरेटेड वेपर के फॉर्म में होगा या सुपर हीटेड के फॉर्म में होगा। तो कोई भी इवापोरेटर से वेपर आती है, कंप्रेसर उसको सक करता है और कंप्रेस करता है, तो ये कन्वर्ट हो जाती है आपकी हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर वेपर में, अप्रॉक्सीमेटली सुपर हीटेड होती है। तो जब कंडेंसर में जाएगी तो कूल होगी। तो कंडेंसर के से पहले पूछा गया है कि कंडेंसर में घुसने के पहले इसका किस तरीके से रहता है, तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सुपर हीटेड वेपर। सुपर हीटेड वेपर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इन एयर कंडीशनिंग ऑफ एन एरोप्लेन यूजिंग द एयर एज ए रेफ्रिजरेंट द साइकिल इज यूज। ये आपका का रेफ्रिजरेंट, यहाँ पे वेपर कंप्रेशन की जगह वेपर एब्जॉर्प्शन का एंगल के क्वेश्चन यूज किया है। इन ए वेपर कंडीशनिंग ऑफ एन एरोप्लेन यूजिंग द एयर एज ए रेफ्रिजरेंट द साइकिल यूज, कौन सी साइकिल यूज करते हैं, रिवर्स कार्नोट साइकिल, रिवर्स जूल साइकिल, रिवर्स बेटन साइकिल या रिवर्स ऑटो साइकिल। तो पिछले उसमें हम लोग वीडियो नंबर आपके मॉक टेस्ट 2 में देख चुके हैं ऐसे क्वेश्चनों के आंसर। तो उसका सही जवाब होगा रिवर्स वेल्टन साइकिल, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, रिवर्स वेल्टन साइकिल। नेक्स्ट, इन ए वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम थ्रॉटल वाल्व इज यूज इन प्लेस ऑफ द एक्सपेंडर। वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में एक थ्रॉटल वाल्व जो होता है वो यूज करते हैं इन प्लेस ऑफ द एक्सपेंडर। एक्सपेंडर क्या होती है, एक्सपेंशन डिवाइस होती है। कोई भी आपका कंडेंसर के बाद आपका रेफ्रिजरेंट निकलता है तो फिर एक्सपेंशन डिवाइस में भेजी जाती है। तो एक्सपेंशन डिवाइस में हमारा थ्रॉटल वाल्व भी हो सकता है, कैपिलरी ट्यूब भी हो सकती है और एक डिफरेंट टाइप का एक्सपेंडर भी हो सकता है। तो यहाँ पर पूछा गया कि थ्रॉटल वाल्व को यूज करते हैं इन प्लेस ऑफ द एक्सपेंडर, इसके क्या एडवांटेज होंगे। इट कंसिडरेबली रिड्यूस द मास ऑफ द सिस्टम, मास ऑफ द सिस्टम को कम कर देगा। सेकंड, इट इम्प्रूव द सीओपी ऑफ द कंडेंसर इज स्मॉल। थर्ड वन, द पॉजिटिव वर्क इन द आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन ऑफ द लिक्विड इज वेरी स्मॉल। एंड फोर्थ वन में पूछा गया है कि इट लीड टू सिग्निफिकेंट कॉस्ट ऑफ द रिडक्शन। तो इसका सही जवाब होगा पॉजिटिव वर्क, ऑप्शन नंबर सी, पॉजिटिव वर्क इन द आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन ऑफ द लिक्विड इज वेरी स्मॉल। बेसिकली जो आपका वेपर कंप्रेशन सिस्टम होता है, जो रेफ्रिजरेटर जिस पे आपका एनकल वर्क करता है, वो डिजाइन किया जाता है आपका डिजायर इफेक्ट कूलिंग के लिए। ठीक, कंप्रेसर में हम लोग वर्क इनपुट देते हैं और एक्सपेंशन में जो होता है स्मॉल क्वांटिटी में आइसोट्रॉपिक वर्क मिलता है। ठीक, और स्मॉल क्वांटिटी में हीट जनरेट होती है और वो हीट हम लोग यूटिलाइज कर लेते हैं रेफ्रिजरेंट का फेस चेंज करने के लिए। तो इसका सही जवाब होगा पॉजिटिव वर्क इन द आइसोट्रॉपिक एक्सपेंशन ऑफ द लिक्विड इज वेरी स्मॉल, क्योंकि वहाँ पर हमें वर्क की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर हमें स्मॉल क्वांटिटी हीट की ज़रूरत है, जिससे कि उस आपका हाई प्रेशर लिक्विड का फेज चेंज हो जाए और उसको वो वेपर में कन्वर्ट हो जाए। नेक्स्ट, द फॉर्मेशन ऑफ द फ्रॉस्ट ऑन द कूलिंग कॉइल इन द एयर रेफ्रिजरेटर। जब रेफ्रिजरेटर में आप लोगों ने इनके देखा होगा कि बहुत सारी इनके मतलब आपका जो चैम्बर होता है जहां आइस आपकी जमती है, ठीक, तो वहां पर आपका आइस जम जाती है। ठीक, तो एक उसमें बटन दिया रहता है जो कि होता है डीफ्रॉस्ट करने के लिए। तो अगर आप उसको प्रॉपरली टाइम टू टाइम डीफ्रॉस्ट करते रहेंगे तो उसकी इफिशियंसी अच्छी बनी रहती है। तो इसमें पूछा गया है फॉर्मेशन ऑफ द फ्रॉस्ट ऑन कूलिंग कॉइल। कूलिंग कॉइल पे फ्रॉस्ट मीन्स बर्फ जम जाना, कूलिंग कॉइल पे अगर बर्फ जम जाए इन रेफ्रिजरेटर में तो क्या होगा, इंक्रीज द हीट ट्रांसफर बढ़ जाएगी, ऑप्शन नंबर बी, इम्प्रूव
सीओपी ऑफ दी सिस्टम, सीओपी ऑफ सिस्टम इंप्रूव हो जाएगी, इंक्रीज पावर कंजम्पशन, पावर कंजम्पशन बढ़ जाएगी, रिड्यूस दी पावर कंजम्पशन, पावर कंजम्पशन घट जाएगी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, इंक्रीज दी पावर कंजम्पशन। अगर कोई रेफ्रिजरेटर आपका बहुत दिनों तक कंटिन्यूसली आपका रन कर रहा है तो उसकी जो कूलिंग कॉइल होगी उस पर आइस जम जाएगी, जैसे फ्रॉस्ट बोलते हैं, तो फिर वो हीट ट्रांसफ़र को आपका कम कर देगा और फिर आपका रेफ्रिजरेटर मशीन जो होगी वो और देर तक चलती रहेगी, क्योंकि उसका टेम्परेचर उसको मेंटेन करने के लिए और ज़्यादा पावर कंज्यूमशन होगी। इसलिए मैनुअल में रिकमेंड किया जाता है कि समय समय पर इसको डीफ्रॉस्ट करते रहें या अपनी मशीन को रेफ्रिजरेटर को कुछ समय के लिए थोड़ी देर के लिए बंद कर दें। नेक्स्ट है आपका, इन ए डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर एक कैपिलरी ट्यूब कंट्रोल द फ्लो ऑफ द रेफ्रिजरेंट फ्रॉम, इसमें पूछा गया है एक डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में एक कैपिलरी ट्यूब कंट्रोल करती है फ्लो ऑफ द रेफ्रिजरेंट फ्रॉम, कहाँ से फ्लो कंट्रोल करती है, एक्सपेंशन वाल्व टू द एवोपरेटर, एक्सपेंशन वाल्व से एवोपरेटर के बीच में, एवोपरेटर टू द थर्मोस्टेट, कंडेंसर टू एक्सपेंशन वाल्व एंड कंडेंसर टू एवोपरेटर। तो जो आपकी कैपिलरी ट्यूब होती है ये आपकी एक्सपेंशन डिवाइस है और ये आपका थ्रॉटल वाल्व की जगह पर भी यूज किया जाता है, जो हम लोगों के डोमेस्टिक घरों में इनके मतलब रेफ्रिजरेटर रहते हैं तो वहाँ पर आपकी कैपिलरी ट्यूब एज ए एक्सपेंशन डिवाइस के तौर पर यूज की जाती है। आप उसमें पीछे जाके देखेंगे जहाँ पर ब्लैक कलर की जाली लगी रहती है, नीचे आपको बॉटम में देखेंगे तो एक छोटी सी पतली सी कैपिलरी ट्यूब लगी होगी जो कि बहुत सारी यानी कि राउंड में होगी, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो वहाँ पर कैपिलरी ट्यूब लगी रहती है, तो इसका काम क्या होता है, कहाँ कहाँ लगी होगी, वो कंडेंसर टू दी एवोपरेटर के बीच में। तो इसका सही जवाब है कंडेंसर टू एवोपरेटर। आपकी बहुत सारी ऑब्जेक्टिव की बुक्स में मैं यहाँ पे ये आंसर गलत दिया है, ठीक है। तो बेसिकली आंसर है आपका सी। तो ये एग्ज़ाम में ध्यान रखना, अगर एग्ज़ाम में इस तरीके से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको वही कॉपी पेस्ट नहीं करना है, अपना दिमाग लगाना है थोड़ा सा। इन ए प्रेशर इनथैल्पी चार्ट द स्पेस टू द लेफ्ट ऑफ द सैचुरेटेड लिक्विड इज रिप्रेजेंट, ठीक। अभी आपका ग्राफ से इनके रिलेटेड क्वेश्चन आ गया जिसमें प्रेशर इनथैल्पी चार्ट के बारे में पूछा गया है। प्रेशर इनथैल्पी चार्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा, थोड़ा सा हम आपको ड्रॉ करके दिखाते हैं, इस तरीके से आपका ये चार्ट होता है जिसमें एक लाइन इस तरीके से बनी होती, एक लाइन इस तरीके से बनी होती। अब इसमें पूछा गया प्रेशर इनथैल्पी चार्ट द स्पेस टू द लेफ्ट ऑफ द सैचुरेटेड लाइन, ये आपकी सैचुरेटेड लाइन है, इधर जो आपका लेफ्ट साइड पूछा गया ये लेफ्ट हो गया, इधर ये राइट हो गया। सैचुरेटेड लाइन रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करेंगे, बैड वेपर रीजन, सुपर हीटेड वेपर रीजन, सब कूल्ड रीजन एंड नन ऑफ दीज। तो बैड वेपर रीजन जो होता है वो आपका सेंटर में होता है, सुपर हीटेड जो होता है वो राइट साइड होता है, अब सब कूल्ड रीजन आपका लेफ्ट में हो। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, तो आप लोगों को हमारा ये प्रयास कैसा लगा, क्योंकि आप अगर ये सारे क्वेश्चन आप लोग पढ़ के जाएंगे तो किसी भी आपके एग्ज़ाम में, चाहे कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या फिर एकेटीयू एग्ज़ाम हो, उन सभी एग्ज़ामों में आपके क्वेश्चन से आपको बहुत मदद मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, आपको हेल्प करे, तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक